नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को एक खत मिला था। उस खत में था उन्हें जान से मारने की धमकी। जी हां, सुशील मोदी को किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद क्या था, पूरे बिहार में हड़कंप मच गया कि आखिरकार सुशील मोदी को ये पत्र किसने भेजा। पत्र में दावा किया गया था कि वो तृणमूल कांग्रेस का नेता है। इसके बाद तो बवाल मचना लाजमी था। हालांकि पटना एसएसपी ने इस बारे में जानकारी भी दी थी कि इस पूरे मामले पर एफआईआर भी दर्ज की गई है और उसके बाद पटना पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। बिहार से कोलकाता पहुंच गई कि आखिरकार ये कौन शख्स है, ये कौन तृणमूल कांग्रेस का नेता है जो सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन अब इतने छानबीन के बाद अब वो शख्स पुलिस के हाथ लग गया है। जी हाँ, उस शख्स की पहचान हो चुकी है, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस का नेता नहीं है। उसने तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम और उनका नंबर जानबूझ कर दिया था। वो शख्स कोई और है और वो अभी भी जेल में बंद है और जेल से ही उसने तृणमूल कांग्रेस के नेता के नाम पर उसका नंबर लिखकर ये धमकी भरा जो खत है वो सुशील मोदी को दिया था। आपको बता दें कि वो जो शख्स है वो पेशे से वकील बताया जा रहा है, जिसने सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। साथ ही आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी भरा पत्र भेजने वाला जो है वो वकील है। उस वकील का नाम सुदीप्तो भट्टाचार्य है। फिलहाल वो वर्धमान जेल में बंद है। सुदीप्तो ने ही सुशील मोदी के राजेंद्र नगर स्थित निजी आवास के पते पर धमकी भरा पत्र भेजा था। सूत्रों के अनुसार सुशील मोदी को धमकी भरा पत्र स्पीड पोस्ट भेजने के करीब एक सप्ताह बाद से वो जेल में है। वर्धमान पुलिस ने सुदीप्तो को इसी तरह के धमकी भरा पत्र किसी को भेजने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उसने साजिश कर तृणमूल कांग्रेस नेता चंपा सोम यानी कि सोमा के नाम से पत्र लिखा और उसी का मोबाइल नंबर भी लिख दिया। पटना पुलिस की टीम चंपा को गिरफ्तार करने के लिए वर्धमान गई थी। अब इस केस में आरोपी सुदीप्तो को बनाया जाएगा। पुलिस अब उनके खिलाफ कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लेकर वर्धमान जेल जाएगी। उसके बाद पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पटना आएगी और पटना में सुदीप्तो भट्टाचार्य से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस खत के पीछे, इस धमकी भरा पत्र के पीछे उसकी मंशा क्या थी, उसने क्यों बीजेपी से राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी दी, क्या दुश्मनी थी, क्या कुछ वजह थी और इस खत को लिखने से पहले, इस धमकी को देने से पहले उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, क्या वजह थी कि उसने ऐसा काम किया, ये जानना बेहद जरूरी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब पटना पुलिस सुदीप्तो भट्टाचार्य को रिमांड पर लेती है तो क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।